भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर पहली बार रायपुर पहुंचे ओपी चौधरी का माना एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत हुआ। वहां पहले से मौजूद भाजीमो कार्यकर्ताओं ने उनको फूल मालाओं से लाद दिया। इसके बाद उनका काफिला रैली की रूप में रवाना हुआ। रास्ते में जगह जगह इस रैली का स्वागत हुआ। इसके बाद ये रैली मरीन ड्राइव घड़ी चौक होते हुए एकात्म परिसर पहुंची। ओपी चौधरी खुली जीप में सवार थे। वे अपने कार्यकर्ताओं का अभिवादन भी स्वीकार कर रहे थे। जैसे ही ओपी चौधरी का कारवा एकात्म परिसर पहुंचा, वहां जोरदार आतिशबाजी शुरू हो गई। कार्यकर्ताओं ने वहां भी उनका जमकर स्वागत किया। प्रदेश के बीजेपी नेताओं ने भी दिल खोलकर ओपी चौधरी का स्वागत किया। ओपी चौधरी की जीप के साथ कार्यकर्ता बाइक पर पार्टी का झंडा लेकर चल रहे थे। ओपी चौधरी के बीजेपी में आने पर प्रदेश के मुखिया रमन सिंह ने कहा कि ओपी चौधरी बेस्ट कलेक्टर थे, उन्होंने बड़ा फैसला लेते हुए बीजेपी ज्वाइन की है, ऐसे में पार्टी उनका बेहतर उपयोग करेगी। संकेत साफ है कि उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। इस वक्त खड़े हम बीजेपी कार्यालय में, जहां पर एक कलेक्टर पद से इस्तीफा दिए आईएएस ओपी चौधरी। हम उसे सीधे संवाद करेंगे कि क्यों आईएएस पद को इस्तीफा देकर के भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया, इसको लेकर के हम बात करते हैं। मैं अपने पिछले 13 साल मैंने प्रयास किया कि जो अच्छा कर सकता हूँ लोगों के लिए करूँ, और अब मैं एक ऐसे फेज पर था जहाँ पे मेरी कलेक्टरशिप समाप्त हो रही थी और मैं मंत्रालय के ऊँचे से ऊँचे पद पे पहुँच तो जाता, लेकिन कहीं ना कहीं एक मर्यादा, एक बंधन सा महसूस करता। तो मैं सीधे लोगों से जुड़कर काम करना चाहता, और दूसरी ओर मैं ये भी मानता हूँ कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है वही पूरे सिस्टम को एक विजन देता है, एक लाइन देता है। तो उस हिसाब से भी राजनीतिक तंत्र का अपना इम्पोर्टेंस है। लोगों के लिए मैं तब भी काम कर रहा था, अब भी काम करूंगा। मैंने अपनी भूमिका थोड़ा परिवर्तित किया है। प्रशासनिक पद पर भी रह करके जो है आप ब्यूरोक्रेसी की काम कर सकते थे और जनता की सेवा भी कर सकते थे, लेकिन पार्टी में आना क्या चुनौती थी? मैं यही बोलना चाहूँगा कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो प्रशासनिक तंत्र होता है पूरी तरह से राजनीतिक तंत्र पर निर्भर करता है। अगर राजनीतिक तंत्र अच्छा हो तो सैकड़ों अच्छे प्रशासक खड़ा कर सकता है, और प्रशासन की भी का भी अपना इम्पोर्टेंस है। मैं उस इम्पोर्टेंस से कभी मना नहीं करता, लेकिन फिर भी एक लीडिंग रोल डेमोक्रेसी में एक पॉलिटिकल सिस्टम का होता है। आपका पार्टी में आना एक चुनौतीपूर्ण है, और आपको लगातार देखा जा रहा है कि खरसिया से चुनाव लड़ेंगे करके एक युवा कलेक्टर भी रहे, और एक युवा चैलेंज भी आपके सामने, भारतीय जनता पार्टी में किस प्रकार से चुनौती रखी? मैं एक राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता के रूप में ज्वाइन किया हूँ, और मेरे लिए जो भूमिका पार्टी तय करती है उसको मैं पूरी निष्ठा से निभाऊंगा। जैसे कि आपने कहा कि एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री और एक पार्षद जो है मुख्यमंत्री है, उसको लेकर के क्या चुनौती? यही भारतीय जनता पार्टी की ताकत है कि बिना किसी प्रकार के बायसनेस के, चापलूसी के, लोगों को उनके मेहनत और योग्यता के अनुसार भूमिका इस पार्टी में मिलती है। यही भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत मैं मानता हूँ। आप युवाओं के क्षेत्र में काफ़ी काम किए, शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी काम किए, तो आगे जो पार्टी में किस प्रकार से काम करेंगे, और आगे जो नालंदा परिसर के जो बारे में बता रहे थे, कटरा तालाब के बारे में, उनकी क्या भूमिका है? निश्चित रूप से मैं यही बोलना चाहूँगा कि युवाओं का विशेष प्यार और स्नेह मुझे पूरे अपने पिछले वर्षों में मिलता रहा है, और मैं उसको हमेशा निभाने का प्रयास करूँगा। चाहे मैं कहीं भी रहूँ, राजनीति में रहूँ, आज पहले प्रशासन में था, कहीं भी किसी भी रोल में रहूँ, बट मैं अपना युवाओं के लिए जो बेहतर कर सकता हूँ हमेशा करने का प्रयास करूँगा। अब पार्टी में आने के बाद भी युवाओं में देखा जा रहा है, और कई छात्र ऐसे भी हैं वो भी आपको सपोर्ट कर रहे, तो क्या रणनीति बनाएंगे आगे चुनाव को लेकर? पार्टी भूमिका तो मेरी पार्टी तय करेगी, बट निश्चित रूप से मैं युवाओं को यही अपील करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो भारत को एक ग्लोबल पावर, एक वैश्विक शक्ति बनाने की ओर लीड करा रही है, और उस दिशा में हम सब युवाओं को मिलकर आना चाहिए और उस दिशा में काम करना चाहिए, ताकि देश में, प्रदेश में, अपने गाँव में, क्षेत्र में, अपने लोगों की के लिए अच्छा हो सके। तो जैसे कि अभी युवा कलेक्टर जो है ओपी चौधरी, पूर्व कलेक्टर, अब भाजपा में ज्वाइन होने के बाद कई सारे अपने उन्होंने चीज़ बताया कि अब पार्टी में जो भी संगठन के काम दिया जाएगा संगठन पे पूरा काम करेंगे। तो खबरें अभी और है, बने रहे clip.in के साथ। कैमरा मैन नागेश के साथ श्रवण यादव। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.clips.in।